एक कविता है तुम्हारे लिए। कवि कहते हैं, मेरे लिए तुम्हारे पास जो खुशखबरी है, मेरे लिए तुम्हारे पास जो खुशखबरी है उसे बचाना, चाय की चुस्की में नहीं रसोई के स्वाद की तरह बचाना। मुझे लगता है इस उसठ समय में मैं अपनी हर खबर, अपनी खुशी नहीं बचा पाऊँगा, वैसे जैसे कुम्हार बचाता है अपनी मिट्टी, बच्चे बचाते हैं अपनी ज़िद, और जैसे पीपल के पत्ते सी माँ की हथेली में बचा होता है आशीर्वाद। तुम सहेज सकती हो मेरी बात अपने व्यक्तित्व के आईने में बिंदी की तरह, और जैसे डूब की बाहों में रात बचा लेती है ओस, तुम बचा सकती हो उसे दुपट्टे के किसी कोर में। देखना कि जब ठंड से ठिठुर रहे हैं सबके विचार, तुम्हारे ललाट से पसीने के बूंद की तरह उभरेगी मेरी बात, और फिर पलकों से छन कर सुकून के होठ तक ठहरेगी। देखना कि जब ठंड से ठिठुर रहे हैं सबके विचार, तुम्हारे ललाट से पसीने के बूंद की तरह उभरेगी मेरी बात, फिर पलकों से छन कर सुकून के होठ तक ठहरेगी। तो साथी मेरे, तुम्हारे पास मेरा जो कुछ है उसे बचाना और मुझे मत बताना। तो साथी मेरे, तुम्हारे पास मेरा जो कुछ है उसे बचाना और मुझे मत बताना।